न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जबलपुर में रानी अवंतिका बाई वार्ड क्रमांक 67 में वोटरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग सवेरे 6 बजे से लाइन में लग गए ताकि वह जल्दी वोट डाल सकें, मगर वोटिंग 20 मिनट लेट चालू हुई, जिस पर कि इलेक्शन ऑफिसर और चुनाव अधिकारी का ये कहना है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। एक जागरूक अधिवक्ता ने यह देख लिया कि कंट्रोल यूनिट की सील टूटी हुई है। जब उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई तो बहुत मशक्कत के बाद कंट्रोल यूनिट की सील चुनाव अधिकारी ने दोबारा लगाई। आज सुबह जब मैं यहाँ पर पहुँचा, तकरीबन 7:10 बाकी था, तब मैंने देखा कि यहाँ जो बूथ हैं, बूथ में जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट की सील जो है वो टूटी हुई है। मैंने उसको दोबारा उसको कहा तो चुनाव अधिकारी जो यहाँ थे उनका ये कहना था कि नहीं, ये है वहाँ से ऐसे ही आया है। तो मैंने बोला अगर ऐसे ही आया तो आपने कलेक्ट क्यों किया। तब जाकर के काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने दोबारा उसको सील किया। दूसरी बात यह कि आधे घंटे बाद यहाँ वोटिंग शुरू हुई है। शामियाने की व्यवस्था जो है बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आलम था, बढ़ता रहा और वोटरों के लिए शामियाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जो थी भी तो वो भी मुश्किल से 10-15 लोगों के लिए। हमारे पहुंचने के पहले एक महिला बेहोश हो चुकी थी, दूसरे एक पुरुष बेहोश हुए, जिसका कि आप वीडियो देख सकते हैं। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, लोग लाइन तोड़कर ताकत के बल पर अंदर घुसने लगे, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई और खूब हो अल्लाह के बाद वहां पर पुलिस पहुंच पाई। नॉर्मल आदमी नहीं है उसको तो पहले जाने दीजिए आप। अरे नहीं भाई, किसी ने बिठाया भाई, ये सामने आप चलिए, हमें कलेक्टर का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। और कौन गुजरा भाई सर? कौन गुजरा इधर? हाँ, हम लोग बूथ क्रमांक मतलब 183, यहाँ हम लोग 6:30 बजे से लाइन में लगे हैं, 7:30 बजे वोटिंग चालू हुई है। कम से कम यहाँ अभी 400-500 आदमी है। व्यवस्था के नाम पे कोई चीज नहीं है। सीनियर सिटीजन मतलब जो कम से कम 100 सीनियर सिटीजन खड़े हैं और कहीं अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने बजे तक हम लोगों की वोटिंग हो पाएगी। स्लो वोटिंग चल रही है और स्लो वोटिंग चल रही है, मतलब बहुत धीरे धीरे वोटिंग चल रही है। 20 मिनट लेट चालू किया, 7:20 पर चालू किया। आपका नाम? मेरा नाम सतीश अग्रवाल। 20 मिनट्स लेट इन्होंने स्टार्ट किया। हम सीनियर सिटीजन है, 6:30 बजे से खड़े हुए हैं। अब यहाँ ये वो ट्रेस आउट नहीं कर पा रही है हमारा नाम। वो तो कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास तो वो है आईडी है, हम कहाँ से झूठ बोलेंगे। ये हमारा आईडी है, देखिए। बहुत लंबा लाइन लगा है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग 6:30 बजे से बिना खाए भी है सबसे पहले वोटिंग में आया। अभी मुश्किल से 25 जन का हुआ होगा, मतलब मेरे को लगता है कि ये 12 बजे तक नहीं, जो नहीं लाए थे वजह से, पुलिस की गलती नहीं है। वोट कैसे नहीं डालने दोगे आप?
ये अवैध नहीं है, इसको आप अवैध का ये करें। साढ़े सात बजे चालू कर रहे हैं, उसके बाद सात बज के पाँच मिनट में हो गया सर चालू। ये सी ड्यूटी आई क्या होता है? यूनिट में जो सील लगी हुई वो तो वहीं से मिला है सर, वो निर्वाचन अधिकारी से मिली थी। अब वो जैसा भी हो टूट गया होगा उसको हमने नहीं सर, ये क्या अब अभी बाद में देखा हम लोगों ने। नहीं ये तो आपने इलेक्शन वोटिंग वोट डालने के पहले देखा होगा ना, सीट टूटी थी कि जुड़ी थी सर? यहाँ के हेड आपको बताना पड़ेगा सीट टूटी थी कि जुड़ी थी। हाँ जल्दी बताओ क्यों वकील साहब के पास फोटो है सील टूटी थी जुड़ी सर? वो सील टूटी थी, कौन सी सील टूटी थी? अरे ये वाली वो चपरा निकल गया था, चपरा निकल गया था। नहीं समय पे चालू हुआ है 7 बजे, यानी कि आप 6 बजे के आगे नहीं बढ़ाओगे? नहीं नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। दूसरी लाइन लगी रहेगी तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, वो तो अलग कानून है। बस आखिरी आदमी को अंदर ले लो, हाँ जो लाइन में लगे रहेंगे उनका हम आखिरी तक वोट डलवाएंगे, ठीक है। और सील टूटी होने सील की सील नहीं टूटी है, वो जो फोटो दिखा रहे हैं वो भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। हाँ सील लगी हुई है, हाँ सील पूरी बंद हुई है, सील पूरी बंद है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। कुल मिलाकर इस वोटिंग बूथ पर 20 मिनट लेट चालू हुआ, शामियाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट देखा गया कि कोई कैसे भी कहीं से भी लाइन में घुस रहा था और यह जो चूने की लाइन आप देख रहे होंगे ये वोटिंग चालू होने के 2 घंटे बाद लेबरों ने लाइन बनाई।